चित्तौड़गढ़ जिले के बांसवाड़ा कस्बे में अग्रवाल समाज के 18 गांव से पहुंचे लोगों ने महाराज अग्रसेन की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई, जिसमें कई अलग अलग स्थानों से समाज के पुरुष, महिलाओं और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान निकली शोभा यात्रा में पानी की टंकी के यहाँ से बैंड बाजों के साथ बग्गी में भगवान अग्रसेन की तस्वीर विराजित कर दोनों और उनके भक्त चवर डुलाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में नन्हे मुन्ने बच्चों को दो घोड़े पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कुम्हारों के मोहल्ले से होते हुए रावला चौक, हंदाई चौक, पुणे और सदर बाजार होते हुए कुम्हारों का मोहल्ला पानी की टंकी पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का समाज के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बाहर से यहां पहुंचे समाज के लोगों का उपहरण पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कस्बे में कई जगह स्वागत द्वार भी लगाए गए, वहीं पूरे कस्बे को झंडे लगाकर सजाया गया। अग्रसेन जयंती के मौके पर समाज के 18 गांव के लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। इस मौके पर अशोक अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, विमल अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल, कार्तिक अग्रवाल, शुभम अग्रवाल और छोटू अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन जी की 5148वीं जयंती है, इसको लेकर मेवाड़ क्षेत्र के चोकले के 18 गांव इसमें शरीक होते हैं और 18 ही गांव मिलकर एक साथ एक स्थान पर अग्रसेन जयंती मनाते हैं। महाराजा का जन्मदिन जो है उसको भव्य जुलूस के रूप में निकालते हैं और सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और एक साथ बैठ के एक ही मंच पर सारे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इससे समाज को एक नई दिशा मिलती है कि समाज एकत्र रहे। जहां 18 गांव में, जहां कहीं दो गांव है, कितनी कोई 10 घर है, कोई 5 घर है, कोई 20 घर है, तो ये सारे मिलके एक साथ अग्रसेन जयंती मनाने का कारण यही है कि सभी एकत्रित रहें, एक साथ रहें, इसका मूल उद्देश्य यही है। और अभी अग्रसेन महाराज की जो अग्रोहा में भव्य लक्ष्मी जी का मंदिर बन रहा है उसको लेकर भी रथ यात्रा निकाली गई थी। उस रथ यात्रा में भी सभी चोकला वासियों ने अच्छा सहयोग दिया, भरपूर हुंडियाँ भी कटवाई। सर, ये जुलूस कब और कहाँ से रवाना हुआ और किस किस मार्गों से गुजरा? ये पानी की टंकी के यहाँ से शुरू हुआ, मेन बाजार में होते हुए पूरे बांसवाड़ा में भ्रमण किया और पुनः पानी की टंकी के यहाँ पहुँचा और यहाँ से सांवलिया जी चौराहे स्थित सांवलिया जी धर्मशाला में इसका कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं सारे समाज के लोग एकत्रित होंगे और वहीं पूरी अगले साल की नेक्स्ट ईयर अग्रसेन जयंती कहाँ मनाई जाएगी उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी।